300 से भी ज़्यादा ब्रांड्स हैं नेशनल और इंटरनेशनल, और जर्मनी का सबसे बड़ा आउटलेट सिटी जो है वो यही है। और ये जगह आपको लग रही होगी ये कौन सी जगह है, हमने तो देखी नहीं है। आप लोग मैटजिंगन आए हैं, चूँकि हम यहाँ रह रहे हैं, हमारा घर है, तो हम कुछ जगह आपको ऐसी भी दिखाएंगे जो अनदेखी है। बैक टू माई चैनल, मैं हूँ सुरभि और आप लोगों का बहुत बहुत वेलकम इंडियन गर्ल इन यूरोप में। और आज मैं आप लोगों को पहले जो वीडियो बनाया था उसमें था गांव, तो बहुत ज़्यादा गांव और देसी टाइप का फील आ रहा था। और आज जिस जगह पर मैं खड़ी हुई हूँ वो ऐसा फील आएगा कि आप बहुत ज़्यादा जो है वो पैसा खर्च करने वाले हो। आज मैं हूँ आउटलेट सिटी में, जो कि यहाँ पर जर्मनी में सबसे बेस्ट शॉपिंग डेस्टिनेशन में से एक है। दुनिया भर के लोग जो हैं वो यहाँ पर आते हैं शॉपिंग करने के लिए। और हाँ, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लग्जरियस ब्रांड हैं, इसलिए आपको क्या लग रहा होगा, क्या बहुत सारी चीज़ें महंगी हैं? हाँ, महंगी तो हैं, पर इस जगह को बोलते हैं आउटलेट सिटी, तो यहाँ पर जो भी चीज़ें मिलती हैं वो आउटलेट प्राइजेस पर मिलती हैं। तो चलो आज अपन देखते हैं ये वाली सिटी, और आप भी अगर जर्मनी में रहते हो तो ये जगह मत आना भूलना, बिकॉज ये शॉपिंग के लिए सबसे 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 बेस्ट डेस्टिनेशन हो सकती है आप लोगों के लिए। दीपक, ये जगह जो है वो ओपन मॉल की तरह फील दे रहा है ना? हाँ, मैं पता है जब फर्स्ट टाइम यहाँ पर आया था मैं शौक था उनके, ऐसी भी जगह होती है। और सबसे इंटरेस्टिंग फैक्टर है यहाँ के बारे में कि ये जर्मनी की टॉप 10 शॉपिंग डेस्टिनेशन में से एक है। यकीन नहीं मानेंगे लोग कि यहाँ पर 2019 में अराउंड 42 लाख लोगों ने विजिट किया था फ्रॉम 185 कंट्रीज से। इतने सारे लोग यहाँ पर विजिट करते हैं, इतनी बड़ी टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनती जा रही है। ये एक छोटा सा टाउन था और अब यहाँ पर मैरियट इंटरनेशनल होटल्स भी ओपन होने वाले हैं। ये कोई भी ब्रांड का नाम लो, प्राडा, अरमानी, गुच्ची, सब है यहाँ पर। और कई सेलिब्रिटीज कई कंट्रीज से भी आते हैं शॉपिंग के लिए, जो बहुत अच्छी बात है। और इसी के साथ दीपक ने ब्रांड्स के नाम बताए हैं, तो मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ। ह्यूगो बॉस, तो ह्यूगो बॉस का जो हेड क्वार्टर है वो यहीं पर है। सबसे पहला जो आउटलेट स्टोर था वो ह्यूगो बॉस का ही था यहाँ पर। और उसके बाद फिर लोगों ने, मतलब वो इतना सक्सेसफुल रहा कि लोगों ने फिर कॉन्टेक्ट किया, एंड देन अब यहाँ पर मोस्टली सारे ही ब्रांड्स, लाइक मैंने बोला 300 से भी ज़्यादा इंटरनेशनल और नेशनल ब्रांड्स है, और 100 से भी ज़्यादा स्टोर है, और वो भी शॉपिंग एरिया पूरा ओपन वाला। और आप लोग अगर स्टुटगार्ट में हो या स्टुटगार्ट के बारे में जानते हो, तो ऑफ कोर्स स्टुटगार्ट के तो ये बहुत क्लोज है मैटजिंगन, पर स्टुटगार्ट से भी बेहतर है शॉपिंग के लिए ये। तो जब आप मैटजिंगन में आते हो तो इस स्टेशन से ही आते हो, या तो गाड़ी से आओगे या स्टेशन पर। हम सबसे पहले स्टेशन से ही आए थे, तो जो ट्रेन है वो यहाँ पर या उस साइड जहाँ पर भी रुकेगी, एंड देन आप एंट्री कर सकते हो। यहाँ से लगभग 500 मीटर जो है वो डिस्टेंस है, तो वहाँ पर चल के जाते हैं, जो कि एक्चुअली बहुत सारे ब्रांड्स हैं वहाँ पर। और
स्टेशन पे ही है सबवे और एक चाइनीज रेस्टोरेंट भी है, चाइनीज और जापानीज रेस्टोरेंट। तो ऑफ कोर्स अगर आप सबवे के फैन हो तो आप डायरेक्टली यहीं से स्टेशन से कुछ ना कुछ ले सकते हो और देन सिटी की तरफ जो है वो मूव कर सकते हो। आज बहुत खाली है यहाँ पे, आपको शौक हो रहे होंगे एक क्यों, लेकिन आज छुट्टी का दिन है, वरना बाकी के दिन इतनी भीड़ होती है स्टेशन से सिटी की तरफ, और ये रास्ता है जाने के लिए। ऐसे स्पॉट पे खड़ी हुई हूँ जहाँ पर आपको ब्रांड्स दिख ही रहे होंगे पीछे, गुच्ची, प्राडा, जिमी छू और भी बहुत सारे इस लेन में है, टॉमी हिलफिगर। और ये एक जादुई टाइप का फील होता है बिकॉज इसका जो विजुअल्स हैं वो बहुत अच्छे हैं, तो पूरा ब्लैक है और उस पर गोल्डन कलर के ब्रांड जो हैं वो लिखे हुए हैं, तो बहुत ही विजुअल्स जो है अमेजिंग है। ऑफ कोर्स ये ब्रांड्स जो हैं वो बहुत महंगे हैं और उसी की वजह से ये पूरा जो स्ट्रीट है उस पर ऐसा फील आता है कि हाँ हम लोग बहुत महंगे किसी ब्रांड की तरफ बढ़ रहे हैं, विच आई एम ऑलरेडी गोइंग। आपको दिख रहा है और ये ब्रांड के बारे में मैं सिर्फ इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जो यहाँ का जो हिस्ट्री है वो यहीं से स्टार्ट हुई थी। मेंस आउटफिटर जो ह्यूगो बॉस है, उनने 1970 पे सबसे पहला जो आउटलेट स्टोर है वो ओपन किया था और ये जर्मनी का सबसे बड़ा आउटलेट स्टोर भी है एंड ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा आउटलेट स्टोर भी है। तो ऑफकोर्स ये बहुत बड़ा है और बहुत सुंदर है अंदर से, तो ज़रूर एक बार देखने आई है। और इसके अलावा आपके जो फेवरेट ब्रांड्स हैं लाइक एडिडास, प्यूमा, नाइकी, जो हम सभी लोगों के फेवरेट हैं, सुपर ड्राई, जैक एंड जोन्स, तो ऑफकोर्स वो ब्रांड्स भी हैं यहाँ पर। मेरा फेवरेट ब्रांड भी है यहाँ पर नाइकी। ओके, तो आपको ये नहीं लगना चाहिए कि यहाँ पर बस शॉपिंग स्टोर्स हैं, यहाँ पर बहुत कुछ है, बहुत सारे फेमस बियर गार्डन्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, लोग यहाँ दिन भर शॉपिंग करते हैं और उसके बाद शाम को अपना खाना पीना एंजॉय करते हैं, और उनमें से कुछ रेस्टोरेंट्स इधर भी हैं। कुछ वीगान रेस्टोरेंट भी हैं और हेल्दी टाइप के रेस्टोरेंट भी हैं जिसके सामने मैं अभी खड़ी हुई हूँ। ये इसका नाम है मार्शे मूव इन पिक, अगर मैं सही प्रोनंसिएशन कर रही हूँ इसका, और अंदर गाय हैं बहुत अच्छी अच्छी और उसमें स्विट्जरलैंड का फ्लैग है, तो आई गेस दिस रेस्टोरेंट इज स्विट्जरलैंड रिलेटेड। ये जो स्ट्रीट दिख रही है आपको, यहाँ पर बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं और बहुत अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं, तो आप लोग यहाँ पर कुछ भी खा पी सकते हो। और इसी लाइन में आगे चल के है वॉशरूम या रेस्टरूम, तो आप वहाँ पर भी जा सकते हो। और यहाँ पर बीच में एक इटालियन रेस्टोरेंट है जो बहुत ज़्यादा फेमस है और उसका जो एनवायरनमेंट होता है ना वो भी बहुत बहुत अच्छा होता है, तो वो भी देख सकते हो। मैंने आपको बताया था सबवे, तो यहाँ पर मैकडी भी है जो ठीक पीछे है, तो ऑफ कोर्स अगर आप मैकडी के फैन हो और बहुत सारी शॉपिंग करके आपके पैसे खर्च हो गए हो तो सस्ते ऑप्शंस भी हैं यहाँ खाने के लिए। मैं सिटी सेंटर, इसलिए आपको भीड़ भी दिख रही होगी, ऑल दो आज छुट्टी वाला दिन है, तो ये रेस्टोरेंट में हमने तो जितनी भी बार देखा है बहुत ज़्यादा भीड़ होती है और यही सबसे चहल पहल वाला जो है वो एरिया होता है, तो ऑफ कोर्स ये भी डेस्टिनेशन है।
क्या कर रहे हो अगर बैठे हुए हो और वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ 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 यहाँ पर एक बटन आ रही होगी सब्सक्राइब की, उसको दबा दो और बेल आइकन को दबा दो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और बाकी का जो वीडियो है वो देखो और लाइक भी कर दो वीडियो को। और ये वो एरिया है जो चिलिंग एरिया है, अभी बारिश हुई थी इसलिए ये सीट्स को क्लोज कर दिया है, पर शाम में ये पूरा भर जाता है और टेबल्स बाहर आ जाती हैं और लोग भी बाहर आ जाते हैं और बहुत बहुत अच्छा लगता है। ऐसी जगह पर आ गए हैं जो शेडेड है, तो जैसा कि मैंने आपको पहले बोला था कि इट फील लाइक कि आप बहुत बड़े ओपन मॉल में शॉपिंग करने आए हो, पर यहाँ पर एक एरिया है जहाँ पर शेडेड है और बहुत सारी शॉप्स इधर भी हैं, और चॉकलेट की शॉप्स, डीजल तो आपने नाम सुना ही होगा, प्लस मैक के शोरूम और जो ब्रांडेड लग्जरियस मेकअप प्रोडक्ट्स होते हैं उसके, एस्पिरी और भी बहुत सारे शॉप हैं। और पीछे आप देख ही रहे हो बिकॉज दिस सिटी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, पहाड़ों से घिरी हुई है इसलिए ये भी बहुत ही सुंदर एक स्पॉट हो सकता है। और यहाँ पर है पार्किंग, तो आप पार्क भी कर सकते हो अपनी गाड़ी। इनको अवॉइड करने के लिए पीछे यहाँ पर साइन बोर्ड्स हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टोर्स हैं, गुच्ची, प्राडा, दुनिया भर के, नाइकी, मार्को पोलो, आपको जो भी स्टोर विजिट करना है साइन बोर्ड्स के थ्रू कर सकते हैं, कंफ्यूजन की कोई गुंजाइश नहीं। अगर आप एक दो साल पहले यहाँ आए होंगे तो ये एरिया जो है वो आपके लिए न्यू होगा, क्योंकि ये अभी अभी बनाया है और ये बहुत सुंदर है। और यहाँ पर अदर देन कपड़े जूते से अलावा भी यहाँ पर और सारे ब्रांड्स हैं, जैसे हाउस होल्ड वाले ब्रांड, मेकअप ब्रांड्स एंड और भी बहुत सारे वॉचेस के ब्रांड्स, एक्सेसरीज के ब्रांड्स, तो ऑफ कोर्स आप ये एरिया भी विजिट कर सकते हो। पर इंडियन स्टोर्स और सुपरमार्केट्स भी हैं और भी बहुत सारे स्टोर्स हैं, तो ऑफ कोर्स आपका जो भी आपको मनपसंद चीज़ है वो आप यहाँ पर गूगल पे सर्च करो और उस स्टोर पे जाओ। और अगर पानी पीना है तो रेस्टोरेंट से मत खरीदो, सुपरमार्केट या यहाँ पर और भी शॉप्स हैं उससे खरीद के और फिर पियो। हम लोग ने स्टारबक्स से कॉफ़ी ली है और इसकी के साथ हम लोग जाते हैं। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपको बहुत सारे मेटजिंगन और आउटलेट सिटी के बारे में इंसाइट्स मिले होंगे इस वीडियो से, और वीडियो में क्या सबसे अच्छा लगा वो ज़रूर बताना, नीचे कमेंट करना मत भूलना और वो सब्सक्राइब बटन जो रेड कलर की है वो दबाना मत भूलना और लाइक करना मत भूलना वीडियो। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो हम लोग कोशिश करेंगे और भी अच्छा लेके आए। और हाँ, अगर आपको शॉपिंग करने आना है तो ये है परफेक्ट जगह, और हम लोग यहीं रहते हैं तो हमसे मिलना ज़रूर मत भूलना। बाय बाय। इनचेक जैकेट्स हैं, ये ब्रांड है फिलिपी प्लाइन, एक पी उल्टा एक पी सीधा और ये जैकेट्स का प्राइस है 3 लाख रुपये।